डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन फर्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याए क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखिए, दो वृत्त है, उनकी त्रिज्याए 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की है, और उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। देखिए, एक है वृत्त जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरा कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए एक अभीष्ट वृत्त है जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और इसकी जो परिधि है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इसकी त्रिज्या हमने r मान ली तो इसका फॉर्मूला बनेगा परिधि का 2πr, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। यानी कि पहले वृत्त की परिधि ये r1 त्रिज्या मान ली, और ये मान ली त्रिज्या r2 बराबर 19। तो 2πr1 प्लस 2πr2, यानी कि पहले वृत्त की परिधि यानी कि 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, और इन दोनों परिधियों के योगफल के बराबर एक वृत्त की परिधि है जो हमने यहाँ पे दर्शा गया है, इसकी त्रिज्या है r, वो है 2πr। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार अभीष्ट वृत्त की परिधि अभीष्ट वृत्त की परिधि 2πr2 प्लस वृत्त सेकंड की परिधि ठीक है। तो अभीष्ट वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि 2πr1 प्लस 2πr2। देखिए, 2πr इक्वल 2π, यहां से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा r1 प्लस r2, 2π से 2π कैंसिल आउट होगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस r2, और r1 है 19 प्लस r2 है 9, तो r1 इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी कि अभीष्ट वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन समझिए। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में परिधियों का योगफल जो है अभीष्ट वृत्त की परिधि के बराबर था, और हमें इस बार क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है उस वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली आर है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्तों का क्षेत्रफल का योगफल है, वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल अभीष्ट वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां लिखेंगे अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस वृत्त सेकंड का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² इक्वल हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr1² दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2² πr² इक्वल टू, सोल्व करेंगे पाई, देखिए कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां बचेगा r1² + r2² πr² इक्वल टू, देखिए यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और r1 की वैल्यू दी गई है इसमें
पहले वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है, 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 + 36, और आर इक्वल टू इन दोनों का योगफल करके इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यह आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक तीरंदाजी लक्ष्य को, एक तीरंदाजी का लक्ष्य है, और उसमें 5 संकेंद्रीय वृत्त बने हुए हैं, बीच में है गोल्ड, फिर इसमें रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, यह है गोल्ड, फिर यह है इसमें रेड, और ये पार्ट है ब्लू, ये ब्लैक और ये है व्हाइट। ये जो सर्किल है यहां से ये गोल्ड है, और यहां से यहां तक ये जो पार्ट है ये रेड पार्ट, और ये ब्लू है, ये ब्लैक, ये पार्ट ब्लैक है, और ये पार्ट इसमें व्हाइट है। अब इन सभी पार्ट का हमें अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो गोल्ड पार्ट है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र यानी कि ये जो गोल्ड भाग है, इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर का है, और प्रत्येक की चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर की, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर तो इस साइड से है, तो 10.5 साइड इस साइड से होगा, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड पार्ट का जो व्यास है यहां से यहां तक ये 21 सेंटीमीटर का है, और फिर प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर की है, 10.5 सेंटीमीटर की। तो यानी कि अगर हम व्यास की बात करें तो प्रत्येक पार्ट का जो व्यास है इस केंद्र से मापा जाएगा, यहां से ये केंद्र है इसका, और प्रत्येक भाग का जो व्यास होगा वो 21 सेंटीमीटर बढ़ता रहेगा। तो यहां से सबसे पहले देखिए, हम इसमें गोल्ड का एरिया फाइंड करेंगे, फिर रेड का, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, और कैसे करना है आपको, देखिए पहले हम गोल्ड का एरिया फाइंड कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद रेड का कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या लेंगे, यानी कि गोल्ड प्लस रेड यहां तक, और गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि बीच का पार्ट घटा देंगे और बचेगा रेड का। ठीक है, देखिए गोल्ड भाग यानी कि जो व्रत है का व्यास बराबर है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या होगी 21/2 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, आर कितनी हो जाएगी इसकी, आर होगी इसमें व्यास की आधी, पाई का मान 22/7, व्यास 21 है तो 21/2 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 21 गुणा 21/2 गुणा 2, 7 + 21 और 2 से 22 कटाया 11 बार, 11 + 33 33 × 21, तो 33 × 21 करेंगे तो 21 + 63 63 + 6 हो गए 69 और 2 इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आ गया। देखिए अब जब रेड पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो गोल्ड प्लस रेड भाग की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या हम इस सेंटर से मापेंगे तो इसमें गोल्ड भाग भी आएगा और रेड भाग भी आएगा। ठीक है, दोनों पार्ट का जो व्यास होगा वो होगा 21 और प्लस 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगा, तो 21 और 21 हो गया 42, तो ये होगा गोल्ड प्लस रेड भाग का व्यास
बराबर जाएगा 21 प्लस 21 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब गोल्ड प्लस रेड भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 42 बटे 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। और गोल्ड प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर कितनी है, इसकी त्रिज्या 21 है, तो 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21 लिख देंगे हम दो बार, और 7 या 21 इनकी गुणा करेंगे 21 या 63, 63 गुणा 22, ठीक है 63 गुणा 22, तो इसका क्षेत्र होगा 63 गुणा 22 बराबर 22 या 66 कैरी 6 और 22 132, 132 और 6 हो गए 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो करना है रेड पार्ट का, किसका रेड पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्रफल आया है ये गोल्ड और रेड पार्ट का आया है, तो ये देखिए जो गोल्ड और प्लस रेड पार्ट का जो क्षेत्रफल आया है इसमें से हम गोल्ड पार्ट का क्षेत्रफल घटा देंगे। गोल्ड का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था 693 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको हम गोल्ड प्लस रेड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ठीक है यहां लिखेंगे केवल ये समीकरण एक मान लीजिए इसका और ये समीकरण हो गई दो, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल यानी कि गोल्ड प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल 1386 और माइनस ये 693 और बटे दो, 1386 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 2 चौक 8 2 6 की 12 और 0.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 0.5 और ये बच 9 और 7 माइनस 4 3 और ये आएगा 10 यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया, रेड भाग का, ठीक है। अब हमें याद करना है ब्लू पार्ट का, इस पार्ट का, तो इसके लिए हम पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या की पहले व्यास याद कर लें, तो 21 प्लस 21 कितने हो गए 42 और 21 और जोड़ देंगे इस बार 63, तो 63 तो हो जाएगा इसका व्यास और 63 का हाफ हो जाएगा 63 अपॉन 2 से त्रिज्या हो जाएगी और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालोगे इस बार, क्षेत्रफल आपको निकालना है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके क्षेत्रफल जब ज्ञात होगा तो इसके क्षेत्रफल में से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 21 गुणा 3, 21 गुणा 3 इसका तो व्यास हो जाएगा 63 और इसका हाफ कर देंगे फिर 63 बटे 2 से त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है जैसे अभी ऊपर किया है। तो यहां से गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू पार्ट में से इस बार आपको गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे गोल्ड प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल आया था इस बार इसको घटा देंगे, इन तीनों पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद इन तीनों पार्ट के क्षेत्रफल में से गोल्ड प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका बचेगा, ब्लू पार्ट का। इसी प्रकार नेक्स्ट हम क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है।